क्या आप अपनी पूरी जिंदगी यहाँ कैद रहने की कल्पना कर सकते हैं, जहाँ से छूटने का कोई निश्चित समय नहीं, जिंदा घर लौटने की कोई उम्मीद नहीं? क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं ऐसे समय की, जहाँ आप जीवित हैं सिर्फ एक मकसद के लिए, आजादी, और वो दो शब्द वंदे मातरम, जिसमें झलकता है आपका सपना एक आजाद भारत का। वीरान जगहों की खोज में मैं आ गया हूं एक ऐसी जगह जो अद्भुत जरूर है, लेकिन जिसकी बिल्कुल प्रशंसा नहीं की जा सकती। यहाँ की दीवारों ने बहुत करीब से देखा है कि मनुष्य किस प्रकार के दहशत के काबिल है। ये गवाह है यहाँ एकांत में बहाए गए अनगिनत आंसुओं की। ये मिली है उन लोगों से जिन्होंने अपने देश और अपने सिद्धांतों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। ये दीवारें हैं सेल्यूलर जेल की। नाम नहीं सुना? इसका दूसरा नाम आप जरूर जानते होंगे, काला पानी। कहां से शुरू हम करें ये फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना। 57 की जंग में फिरंगी खिलाफ बुलंद जब किया था सभी ने आवाज, आजादी गुनाह है बताया गया था, हजारों को फांसी चढ़ाया गया था, और सजा कुछ ने पाई समंदर के पार। कहां से शुरू हम करें ये फसाना। 1857 के पहले स्वतंत्रता युद्ध ने अंग्रेजों को डरा दिया था। इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी से खुद के हाथों में ले ली थी, और उन्हीं ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को यहां दूर अंडमान में भेजने की प्रथा शुरू की। तो ऐसे में अंडमान निकोबार द्वीपों को उन्होंने सेलेक्ट किया यहाँ पे बंदी उपनिवेश पेनल सेटलमेंट स्टैब्लिश करने के लिए। जब शुरुआत हुई इसके बंदी उपनिवेश के, पहला जत्था जो अंडमान लाया गया वो 10 मार्च 1858 को यहाँ लाया गया। 200 स्वतंत्रता सेनानियों का जत्था था वो, और उस जमाने में अंडमान में कोई जेल नहीं थी। कुछ ही दिनों के बाद वाइपर नाम का एक द्वीप है यहाँ पर, वहाँ पर एक जेल और एक फांसी घर का निर्माण किया गया। उन्नीसवीं सदी के आखिरी 15-20 सालों में भारत में उठी आज़ादी की आवाज़ों ने जोर पकड़ा। अनगिनत लोग क्षेत्रीय आंदोलनों में शामिल होने लगे और ब्रिटिश सरकार और उनके दुष्ट ऑफिसर्स पर हमले होने लगे। इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स को कड़ी सजा देने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ अंडमान में एक कठोर जेल बनाने का निश्चय किया। ये वही समय है जब भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने पहले कदम ले रही थी। गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे ही थे, और जैसे अंग्रेजों को पता था कि भारत में एक आज़ादी का तूफान आने वाला है, जिससे बचने के लिए उन्होंने ये जगह बनाई, काला पानी की जेल। समीरामीज उस जहाज का नाम था जिसमें पहला 200 स्वतंत्रता सेनानियों का जत्था अंडमान पहुंचा था। तो समीरामीज में फिर होके वो सवार वतन के लिए चल पड़ा था दीवाना। कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना। अथाह समंदर पहुंचा जो जहाज, सुनाई पड़ी होगी बच्चों की आवाज, नवाजा था माँ बाप ने भी दुआ से, कह कुछ न पाया वो बच्चों की माँ से, रवाना हुआ बेड़ियों में बंधा था, बसाने चला अंडमा का वीराना, न पानी था ना था रहने का ठिकाना। कहाँ से शुरू हम करें ये फसाना। दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जो भूली हुई वीरान अवस्था में पड़ी, पर इस जगह का वीरान होना जायज था। इसको इस तरह सुनसान देखकर जरा भी अफसोस नहीं होता, बल्कि तसल्ली मिलती कि जैसे यहाँ इंसाफ हुआ। हाँ, देर लगी होने में, पर हुआ तो सही।
1890 में एक जेल कमेटी को अपॉइंट किया गया. उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट में दिया कि एक आम राय ये बन गई थी कि अंडमान में बड़ी आज़ादी है, क्योंकि अंडमान ओपन जेल हुआ करती थी और जो वाइपर का जेल था वो भी अब खस्ता हाल होने वाला था. तो ये सारी बातें थी, तो इसलिए जेल कमेटी के ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अब इनिशियल स्टेज पे पीनल कैरेक्टर को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए यहाँ टॉर्चर को एक बंद जेल होनी चाहिए, एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वाली जेल होनी चाहिए. ट्रिपल आइसोलेशन की बात थी, आइसोलेशन फ्रॉम मेनलैंड, मेनलैंड में जो लोग रहते हैं उनसे भी दूर कर दिया जाए, आइसोलेशन फ्रॉम द लोकल सेटलर्स जो यहाँ पे बंदी बस्ती है उससे आइसोलेट कर दिया जाए, और जो फेलो प्रिजनर्स है, जो साथी जो दूसरे सेल्स में कोठरियों में जो लोग हैं उनसे भी अलग कर दिया जाए. Each prisoner was given a cell. हर कैदी को एक छोटा सा कमरा दिया जाता था जहाँ उसे कैद रखा जाता था. कैदियों को एक दूसरे से बात करने की बिल्कुल अनुमति नहीं थी. इस वजह से इस तरह के कैद खाने को साइलेंट सिस्टम भी कहा गया है. इस साइलेंट सिस्टम को डिजाइन किया था जेरेमी बेंथम ने, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न प्रिजन सिस्टम भी कहा जाता है. जेरेमी बेंथम, who was supposed to be the father of modern prison system. सेल्युलर जेल को बनाना शुरू किया 1896 में. ये जिन ईंट से बना है, ये ईंट लाए गए थे बर्मा से, जो कि पोर्ट ब्लेयर से सबसे करीब की जगह है मेनलैंड पर. बर्मा तब ब्रिटिश एम्पायर का ही हिस्सा हुआ करता था. जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ. डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप.